झूठ मंतक और ड्रामेबाजी के पांव नहीं होते। ये थत्थे मौलवी साहब फरमा रहे थे बैठ के कि जनाब जो वोट शराबी के वोट की वैल्यू है, जो नशे के वोट की है, जो चर्सी के वोट की वैल्यू है, वही वोट की वैल्यू कालम दीन की बनाई हुई है। तो जनाब तुसा केड़े मदरसे दे बाहर लिख के ला देता है कि शराबी चर्सी नशाई कब्जा माफिया और भत्ता माफिया से हम चंदा वसूल नहीं करेंगे, मदरसे बनाने के लिए, अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, अपनी तनख्वाहें वसूल करने के लिए जो आप लोग ले रहे हैं, कहां लिख के रखा है? किसी भी मसालक की बात हो रही है, सब मसालक की बात, सबको एक ही लाइन में रखा हुआ है। क्योंकि जब वोट देने की बारी आती है तो आपको सेकुलर नजर आ जाते हैं, वहां तो वो बड़े दरवेश बासफा लोग हैं ना जिनको आप वोट देने जा रहे हैं छुप छुप के, जिनकी कंपेन ना करने का दर्द आप लबैक में से निकाल रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ आपसे अभी जब यही मंतक हम आपको दे देते हैं, हमने तो शराबी चरसी नशई का वोट लेके तो निफाज इस्लाम के लिए ले रहे हैं, आगे हमने नशई खड़ा नहीं किया, आगे हमने चरसी खड़ा नहीं किया, आगे हमने आलम दीन ही खड़ा किया है, आगे हमने एक वो बंदे का पुत्र ही खड़ा किया है जो इस्लाम के लिए आगे वोट कास्ट करेगा, हमने भी तो उनका वोट कन्वर्ट किया है, और हम तो आलम इस्लाम निफाज इस्लाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी तरह दो मदरसे चला के अपना घर चलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ये जो थत्थे लॉजिक है ना, इनको अपने पास रखा करें, और इस बात का जवाब नहीं अब तुम दे सकोगे, नहीं तो इस बात का जवाब देना कि क्या उनसे चंदे लेना और उस चंदे से अपने मदरसे चलाना जायज है? लाहौर में बैठे बाबा जी, वो व्हील चेयर वाले बाबा जी क्या कमाल की बात किया करते थे कि पीड़ा और तफकियां और।